जय हिंद। रिसेंटली द हिंदू में एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आया है। आर्टिकल टाइटल्ड है व्हाट आर द रूल्स अराउंड स्टार कैंपेनर्स। बेसिकली कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल को आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कैंपेन करने के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया है। हालांकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट करती है और ये बहुत ही नॉर्मल, बहुत ही यूजुअल सी प्रैक्टिस है। लेकिन क्योंकि अरविंद केजरीवाल के इर्द गिर्द इतनी सारी पॉलिटिक्स चल रही है, अगर आप न्यूज़ को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, ऐसे सर्कमस्टेंसेज में अरविंद केजरीवाल की वाइफ सुनीता केजरीवाल का स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जाना अपने आप में बड़ी न्यूज़ हो गया है। और इसी वजह से बातचीत की जा रही है कि ये जो स्टार कैंपेनर्स हैं इनको अपॉइंट करने के लिए लीगल प्रोविजंस क्या कहते हैं, बेनिफिट्स क्या होते हैं स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट करने के, स्टार कैंपेनर्स के रिगार्डिंग कंसर्न्स हैं कुछ, वो कंसर्न्स क्या हैं और इन कंसर्न्स का सॉल्यूशन क्या है, व्हाट कैन बी डन, उस सब की बातचीत करता है ये आर्टिकल, जो कि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम लीगल प्रोविजंस रिगार्डिंग स्टार कैंपेनर्स। हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, जिसके बारे में आपने फॉर श्योर सुना होगा। इस RPA 1951 के सेक्शन 77 में बताया गया, कहा गया है अबाउट द लॉज रिलेटिंग टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। ये जब चुनाव होगा उस चुनाव के दौरान लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी कितना खर्चा कर सकते हैं, कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो लॉज हैं उनकी बात की गई है RPA 1951 के सेक्शन 77 में। और ये जो लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनको पॉपुलरली बुलाया जाता है स्टार कैंपेनर्स। स्टार कैंपेनर्स कौन लोग होते हैं? यूजुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है स्टार कैंपेनर्स। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ टॉप लीडर्स को ही अपॉइंट किया जाए एज स्टार कैंपेनर, किसी सेलिब्रिटी को भी, किसी वेल नोन फेस को भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अगर बीजेपी की बात करें तो उनके स्टार कैंपेनर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और भी लोग हैं। जैसे कांग्रेस की अगर बात करें तो उनके स्टार कैंपेनर हैं राहुल गांधी और भी लोग होंगे। लेकिन फिर एक बड़ा रीसेंट अपॉइंटमेंट, अगर आप न्यूज़ फॉलो कर रहे हो तो सुना होगा, गोविंदा साहब को शिवसेना ने अपॉइंट किया है एज देयर स्टार कैंपेनर। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी के टॉप लीडर्स को ही स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जाए, किसी वेल नोन फेस को, किसी सेलिब्रिटी को भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जा सकता है। स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट होने के लिए सिर्फ इकलौती रिक्वायरमेंट ये है कि जिस इंसान को स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जा रहा है वो उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए। और इसीलिए गोविंदा साहब ने पहले शिवसेना को ज्वाइन किया, उसके बाद उनको अपॉइंट किया गया एज स्टार कैंपेनर ऑफ शिवसेना। देखो बेसिक बातचीत, RPA 1951 का सेक्शन 77 कहता है, बताता है उन लॉज के बारे में जो कि लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी के एक्सपेंडिचर की बातचीत करते हैं। और ये जो लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी हैं इन्हीं को पॉपुलरली बुलाया जाता है स्टार कैंपेनर्स। स्टार कैंपेनर्स कौन अपॉइंट किए जाते हैं? यूजुअली किसी भी पार्टी के टॉप लीडर्स को स्टार कैंपेनर्स के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ टॉप लीडर्स को ही अपॉइंट कर सकते हैं, कोई सेलिब्रिटी है, कोई वेल नोन फेस है उसको भी स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है कि जिस भी इंसान को आप स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट कर रहे हो वो आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ये कहता है कि जितनी भी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट के लेवल पे हो, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी का मतलब जिनको इलेक्शन कमीशन ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 40 स्टार कैंपेनर्स तक अपॉइंट कर सकती हैं। और जितनी भी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट कर सकती हैं। RPA क्या कहता है कि जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैक्सिमम 40 स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट कर सकती हैं अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, और जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो मैक्सिमम 20 स्टार कैंपेनर्स को अपॉइंट कर सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, किस पार्टी से कौन स्टार कैंपेनर होने वाला है उसकी पूरी जानकारी, उनके नाम की पूरी लिस्ट उस पॉलिटिकल पार्टी को देनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को, वो भी विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ सच इलेक्शन। जब इलेक्शन होने वाला है, इलेक्शन का जिस दिन नोटिफिकेशन आया उस नोटिफिकेशन की डेट से 7 दिन के विद इन पॉलिटिकल पार्टी एक लिस्ट भेज देगी
उसमें नाम लिखे होंगे और वो नाम होंगे उस पॉलिटिकल पार्टी के जो स्टार कैंपेनर्स हैं उनके। किसको भेजी जाएगी ये लिस्ट? इलेक्शन कमीशन को भेजी जाएगी और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को भेजी जाएगी। अच्छा, कोई चुनाव ऐसा है जो कि मल्टीपल फेजेस में किया जा रहा है, जैसे इस बार का हमारा जो लोकसभा इलेक्शन है वो मल्टीपल फेजेस में हो रहा है, अगर कोई चुनाव ऐसा है जो कि मल्टीपल फेजेस में किया जा रहा है, तो अ पॉलिटिकल पार्टी कैन सबमिट अ सेपरेट लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स फॉर डिफरेंट फेजेस। फिर वहां पे फेजेस के हिसाब से अलग अलग लिस्ट भेजी जा सकती है स्टार कैंपेनर्स की, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक अपन ने क्या बात करी है? RPA 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 77 बात करता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स हैं, लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो कितना एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग लॉज, उसकी सारी बातचीत की गई है सेक्शन 77 में। ये जो लीडर्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी हैं इनको पॉपुलरली बुलाया जाता है स्टार कैंपेनर्स। स्टार कैंपेनर्स किसको अपॉइंट किया जा सकता है? यूजुअली किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के जो टॉप लीडर्स होते हैं उनको स्टार कैंपेनर अपॉइंट किया जाता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि टॉप लीडर्स को ही करें, कोई सेलिब्रिटी है, कोई वेल नोन फेस है, कोई इन्फ्लुएंशियल फेस है, उसको भी अपॉइंट किया जा सकता है एज स्टार कैंपेनर। रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर किसी इंसान को स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट करना चाह रही है तो वो इंसान जो है पहले उस पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना चाहिए। रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कितने स्टार कैंपेनर्स अपॉइंट कर सकती है? मैक्सिमम 40। और अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी कितने कर सकती है? मैक्सिमम 20। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। अच्छा, स्टार कैंपेनर कौन है? उसकी लिस्ट पॉलिटिकल पार्टी भेजती है इलेक्शन कमीशन को और चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को। जिस दिन इलेक्शन की डेट्स का नोटिफिकेशन आता है उसके विद इन 7 डेज में ये लिस्ट भेज दी जाती है। अगर मल्टीपल फेजेस में इलेक्शन हो रहा है तो डिफरेंट फेजेस के लिए सेपरेट लिस्ट ऑफ स्टार कैंपेनर्स भेजी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, स्टार कैंपेनर अपॉइंट होने का बेनिफिट क्या है भाई? फायदा क्या है? क्यों हम ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक पर्टिकुलर लिस्ट होगी स्टार कैंपेनर्स की? फायदा है एक्सपेंडिचर में। RPA जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है वो ये कहता है कि कोई भी स्टार कैंपेनर है वो कैंपेन करने के लिए गया, कैंपेन करने के लिए जो उसने ट्रेवल किया उस ट्रेवल में जो भी खर्चा आएगा दैट विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन एक्सपेंडिचर ऑफ अ कैंडिडेट ऑफ सच पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्टार कैंपेनर है XYZ और वो गया, मान लेते हैं, राजस्थान के कोटा में कैंपेन करने के लिए, तो कोटा जाने के लिए जो भी जहाज वगैरह का जो भी ट्रेवल एक्सपेंसेस आए वो उस कोटा में जो भी इंसान इलेक्शन लड़ रहा है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसके टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। ये फायदा है क्योंकि इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे लिमिट है। जैसे किसी भी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक आदमी सिर्फ 95 लाख रुपीज़ तक खर्च कर सकता है, वो भी लार्ज स्टेट्स में। छोटे स्टेट्स में सिर्फ 75 लाख खर्च कर सकता है। अगर इससे ज़्यादा खर्च किया तो उसको ब्रीच माना जाता है, उसके लिए पनिश किया जाएगा, आपका इलेक्शन कैंसिल किया जा सकता है। तो एक फ़ायदा तो ये है कि कोई भी स्टार कैंपेनर जब कैंपेन करने के लिए जाता है तो उसका जो ट्रेवल एक्सपेंस है वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं माना जाता। बेसिकली स्टार कैंपेनर आपके लिए जाके वोट मांगेगा और क्योंकि वो पॉपुलर फेस है तो आपको वोट मिलेंगे, लेकिन आपकी जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उसके ट्रेवल करने की वजह से। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखी जाए कि ये जो स्टार कैंपेनर है इसका जो भी ट्रेवल एक्सपेंस है ये कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं बनता है तब तक जब तक कि वो जनरल कैंपेनिंग कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, वो कोटा गया कैंपेन करने के लिए और वहाँ पे उसने, मान लेते हैं कि BJP का कोई स्टार कैंपेनर है और वो गया कोटा में कैंपेन करने के लिए, उसने BJP की तारीफ़ की, उसने BJP की बड़ाई की, उसने बोला BJP को वोट दो, क्या अच्छाई है क्या खराबी है, जनरल कैंपेन कर रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर उसने अपनी रैली में, अपनी मीटिंग में सीधे सीधे कैंडिडेट का नाम लेके वोट मांग लिए या कैंडिडेट को अपने साथ डायस पे बिठा लिया, तो जो एक्सपेंसेस हैं वो उस कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा माने जाएंगे। जब तक जनरल कैंपेन कर रहा है, कोटा गया है लेकिन कोटा से जो BJP का कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा है उसका नाम नहीं ले सकता। जब तक जनरल के हाँ BJP को वोट दो, BJP ने ये अच्छा किया, या कांग्रेस का कैंपेनर है तो कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस ने ये अच्छा किया इसलिए वोट दो, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तब तक आपका जो भी एक्सपेंडिचर है वो कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने सीधे सीधे नाम लेके वोट मांग लिया
या आपने जो कैंडिडेट है उसको अपने साथ डायस पे बिठा लिया, तो जो भी एक्सपेंडिचर है वो उस कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा इफ द स्टार कैंपेनर इनकर्स बोर्डिंग लॉजिंग एक्सपेंसेस वाइल कैंपेनिंग फॉर एनी कैंडिडेट, इट शैल बी इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ सच कैंडिडेट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर इट इज पेड फॉर बाय द कैंडिडेट। ये सेम वही बातचीत जो अभी अपन कर रहे थे कि अगर जनरल कैंपेन की जा रही है किसी पॉलिटिकल पार्टी को लेके कि हाँ हमारी पार्टी बहुत अच्छी है, हमारी पार्टी ने ये अच्छा काम किया, आप हमें वोट दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो जो स्टार कैंपेनर का इलेक्शन एक्सपेंडिचर है वो किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर का हिस्सा नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर स्टार कैंपेनर सीधे सीधे किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट का नाम लेके वोट मांग रहा है तो फिर जो स्टार कैंपेनर का एक्सपेंडिचर है वो उस पर्टिकुलर कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर से डिडक्ट किया जाएगा, उसका हिस्सा माना जाएगा। इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट स्टार कैंपेनर के साथ में बैठ के ट्रेवल कर रहा है तो जो 50% ऑफ द ट्रेवल एक्सपेंडिचर है वो उस कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंडिचर से डिडक्ट किया जाएगा। सिटिंग प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर स्टार कैंपेनर के तौर पे कैंपेन करने के लिए जाते हैं तो उनका जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर है वो पूरी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर होता है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पे और उनके साथ में कोई दूसरा स्टार कैंपेनर भी बैठ के ट्रेवल कर रहा है तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे जो कैंडिडेट होगा उस कैंडिडेट के टोटल इलेक्शन एक्सपेंडिचर में से 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है वो काट लिया जाएगा, जो भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के लिए पैसा लगेगा उसमें से। मतलब जैसे मान लो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी पे लग रहे हैं 100 रुपये, तो 50 तो सरकार देगी इस केस में और 50 कौन देगा, वो कैंडिडेट जिसके यहाँ पे जाके प्राइम मिनिस्टर कैंपेन करने वाले हैं एज स्टार कैंपेनर। अगर जनरल जा रहे हैं, जनरल कैंपेन कर रहे हैं स्टार कैंपेनर के तौर पे, तब तो जो सिक्योरिटी का एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर है, पूरी तरीके से सरकार के ऊपर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ में बैठ के कोई दूसरा स्टार कैंपेनर भी जा रहा है तो फिर जो सिक्योरिटी का 50% एक्सपेंडिचर है वो किसके ऊपर होगा, वो कैंडिडेट के ऊपर होगा। और ये बेनिफिट्स हैं स्टार कैंपेनर के। इसके बाद आते हैं कंसर्न्स रिगार्डिंग द स्टार कैंपेनर। और कंसर्न सबसे बड़ा ये है कि ये जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं ये इनअप्रोप्रिएट और अब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर लेते हैं कभी कभार जो अपोजिशन वाली पार्टी है उसके लीडर्स के अगेंस्ट में। यूजुअली जो फेस वैल्यू पर लाए गए स्टार कैंपेनर्स होते हैं जिनका पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं होता, सिर्फ उनके फेस की वैल्यू है उसके बेसिस पर उनको स्टार कैंपेनर अपॉइंट कर दिया गया किसी भी तरीके से मना के, वो कभी कभी क्या कर देते हैं कि वो जो लैंग्वेज है उसकी मर्यादा को भूल जाते हैं, इनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। इनफैक्ट जब वोट मांगते हैं तो वो कास्ट कम्यूनल फीलिंग्स को अपील करते हैं और उनके बेसिस पर वोट मांग लेते हैं। तो एक समस्या तो ये है, जो टॉप लीडर्स हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वो तो ये गलती रेयरली करते हैं, लेकिन जिनको सिर्फ फेस के वैल्यू पर लाया गया है, जिनको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है पॉलिटिक्स की बट उनको स्टार कैंपेनर बना दिया गया है बिकॉज उनका वर्चस्व बहुत अच्छा है, ऐसे लोग जो हैं वो जनरली गलती कर देते हैं और वो कभी लैंग्वेज में इधर उधर कर देते हैं, कभी कास्ट और कम्युनल बेसिस पे वोट्स को मांग लेते हैं और वो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है। और इनके अगेंस्ट में एक्शन भी क्या ही ले सकते हैं, स्टार कैंपेनर है, कल परसों स्टार कैंपेनर बनाया गया, इसको हटा भी दोगे तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम ये है, दूसरा स्टार कैंपेनर्स के कैंपेनिंग के दौरान, उनके रैलीज के दौरान, उनके मीटिंग्स के दौरान कितना एक्सपेंडिचर हुआ उसको असेस करने का जो क्राइटेरिया है इलेक्शन कमीशन का वो उतना मजबूत नहीं है, उतना रोबस्ट नहीं है। बिकॉज इलेक्शन कमीशन जो है वो जिन भी चीज़ों पे खर्चा हुआ उनकी करंट मार्केट रेट को यूज़ नहीं करता है। इलेक्शन कमीशन का अपना रेट चार्ट है जो कि करंट मार्केट रेट्स के हिसाब से बेहद कम है, तो एक्चुअल में एक्सपेंडिचर जो होता है वो ज़्यादा होता है और इलेक्शन कमीशन जब कैलकुलेट करता है तो एक्सपेंडिचर आता है कम। तो यहाँ पे हमें कुछ रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत है। क्या कर सकते हैं हम इन दोनों चीज़ों को कर्व करने के लिए? आज के डेट में तो स्थिति यह है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बड़ा सिंपली ये कहता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इंसान को एज स्टार कैंपेनर अपॉइंट कर सकती है और अगर अपॉइंटमेंट को रिवोक करना है, हटाना है, तो हटा भी सकती है। कंडीशन सिर्फ एक है कि जब किसी इंसान को स्टार कैंपेनर के तौर पर अपॉइंट किया जाएगा तो ये इंश्योर करो कि वो इंसान जो है आपकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो। बाकी कब अपॉइंट करना है, कब हटाना है, वो किसको अपॉइंट करना है, किसको हटाना है, वो आपके हाथ में। और ये आर्टिकल 324 ये अपन ने पढ़ा हुआ है, इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत की क्लासेस अपनी रेगुलरली चल ही रही हैं, ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हैं, ढंग से पढ़ा हुआ है अपन ने।
आर्टिकल 324 ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, उसको पूरी जिम्मेदारी है, उसके पास में पूरी पावर्स हैं कंट्री में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने की। किया क्या जा सकता है? किया ये जा सकता है कि अब हम लॉ को अमेंड करके ये बोल सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन को पावर दे दें कि अगर कोई स्टार कैंपेनर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो उसका जो स्टार कैंपेनर का स्टेटस है उसको इलेक्शन कमीशन रिवोक कर सकता है। अभी तक तो पॉलिटिकल पार्टी को बोला हुआ है, उसके अगेंस्ट में एज सच कोई एक्शन ले नहीं सकता है, ऐसा कोई लॉ है नहीं। लेकिन सॉल्यूशन के तौर पर अपन क्या कर सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कि जिम्मेदार है इलेक्शंस को फ्री एंड फेयर रखने के लिए, उनको पावर दे दो लॉ को अमेंड करके कि अगर कोई स्टार कैंपेनर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करता है तो इलेक्शन कमीशन के पास में पावर होनी चाहिए कि इलेक्शन कमीशन उसके स्टार कैंपेनर के स्टेटस को रिवोक कर सकता है, खत्म कर सकता है। और जब ये होगा तो थोड़ा डर भी होगा स्टार कैंपेनर्स में, ये होगा तो थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगा स्टार कैंपेनर्स में। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को अपने सिस्टम को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। स्टार कैंपेनर्स के जो एक्सपेंडिचर का असेसमेंट किया जाता है वो करंट मार्केट रेट्स पर नहीं किया जाता है, अभी अपन बात कर रहे थे। इस सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, इस सिस्टम को और रोबस्ट बनाने की ज़रूरत है ताकि जितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उतनी ही वैल्यू कैलकुलेट की जा सके, एक्चुअल कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका पता लगाया जा सके। और इसके साथ ये बात खत्म हुई स्टार कैंपेनर्स के बारे में। कोई डाउट हो प्लीज़ कॉमेंट। थैंक यू वेरी मच।